क्या है किसी भी काले आदमी का मजाक मत उड़ाओ पता नहीं कब कौन सा काला अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए ये तो बात सच है कि आज देश में दुनिया में कई तरह कई सारी उतल फुतल हो रही है कई सारी बातें हो रही है मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग अभी धीरे धीरे जो रूम भर रहा है उसमें मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है एक बार जरा मूड में ताली बजा दीजिए ताकि बातों को मैं आगे बढ़ाऊ तो आइए माधुर दीक्षित का वो किस्सा पूरा करता हूँ जो मैंने जिसकी शुरुआत की थी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचले जो चली नहीं उसका कारण मैं बता चुका हूँ और यही फिल्म देख ली थी और पता नहीं उसने क्यों सोचा क्या क्या सोचा और माधुरी किडनैप कर लिया वीरप्पन को को विख्यात कुण विख्यात जो शैतान को प्यारा हो गया बाद में क्योंकि इस टाइप के लोग भगवान को प्यारे नहीं होते तो माधुरी को किडनैप कर ले वीरप्पन ने छुड़ाने पहुंच गया नाना पाटेकर नाना पाटेकर बड़े जोश में जाते हैं थोड़ा शब्द उत्तर ध्यान दीजिए हंसने मजा आएगा नाना पाटेकर क्या कहते हैं वीरप्पन से और वीरप्पन की बंदूक देखते क्या होता है देखिए नाना पाटेकर <laughs> अच्छा है अच्छा है अच्छा है एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है धक धक करने लगा अच्छा है <laughs> वीरप्पन ने बंदूक उठाई बंदूक नीचे कर अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर तो फिर अपने का क्या करेगा तू एक बार बंदूक नीचे कर ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा भी बीच में गाना है तो आपने सुना होगा उल्ला उल्ला तू है मेरी फैंटेसी लड़की कहती है छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई तो रात के तीन तीन बजे इस लड़की के घर पे खिड़की से कूद के पहुंचे नाना और लड़की से बोल रहे हैं इधर कहा छूना है तुझे बता मुझे कंट्रोल होता है कंट्रोल भगवान कहते हुआ सब कुछ है दौलत है शौरत है बस औरत नहीं है <laughs> कहा छूना है तुझे तो लड़की बोली क्यों अरे तू ही तो कह रही है बगली छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना तो नाना छूने आ गया साथ में लाला को भी लाया